हाय दिस इज जोगिंदर सिंह एंड यू आर वाचिंग जोगी एंड यू फ्रेंड्स अभी जो क्वेश्चन आपके सामने है ये एल्जेब्रा से है एंड दिस इज रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स ऑफ रेडिकल सिंबल सो अवर क्वेश्चन इज हाउ डू यू सॉल्व दिस एल्जेब्रिक इक्वेशन फॉर सॉल्विंग दिस एक ब्लैंक स्पेस ले लेते हैं हम क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है जो थोड़ी देर पहले हमने रीड किया था हाउ डू यू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन अंडर द रूट x minus 7 is equal to x minus 7 by the way friends creative corners timeout is back again in a new avatar it's time to explore your creativity while you learn so get set to learn something new it's a learning festival which is absolutely free for all age from 12 and above all you need to do is just register in advance and attend all the sessions spend a full day with creative professionals brilliant performers and masters of the trade every scientist engineer doctor magician and the artist was once a learner just like you so give wings to your imaginations and learn without limits put on your creative hats and get ready for the unacademy's timeout 2021 and the most exciting part is यू कैन विन अ सब्सक्रिप्शन फॉर क्रिएटिव कॉर्नर बाय सबिटिंग ऑफ योर सेल्फ रिक्रिएटिंग समथिंग दैट यू लर्न इन अवर टाइम आउट से डेट इज जन्य थर्टी फर्स्ट एंड द टाइम इज नाइन ए एम ऑनवर्ड्स ऑल द लिंक्स आर आर गिविन इन द डिस्क्रिप्शन गो एंड रजिस्टर योर सेल्फ सो लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन तो इक्वेशन की दोनों साइड में हमको सेम चीज मिली है डिफरेंस सिर्फ इतना है कि लेफ़्ट वाला पोर्शन रेडिकल साइन के साथ है और राइट right वाला पोर्शन एज इट इज़ सिंपली लिखा हुआ है सो अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको हमको सॉल्व करना है सॉल्व करना या एक्स की वैल्यू निकालना दोनों एक ही बात है तो इसे किस तरह से हम सॉल्व करेंगे लेफ़्ट में रेडिकल सिंबल है और राइट right में एक्स सिंपली है अगर ये रेडिकल सिंबल नहीं होता तो हम क्या करते सारी चीज़ों में से एक्स वाली थिंग्स को लेफ्ट में ले जाते और नॉन एक्स वाली राइट में रखते और इसे सॉल्व कर लेते सो वट टू डू नाउ फॉर दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स अगर हमारे पास कोई रेडिकल सिंबल के साथ में वेरिएबल आ रहा है जस्ट लाइक यहाँ पे एक्स है हमारा रेडिकल साइन के नीचे तो किसी भी तरह से इस रेडिकल सिंबल को कैंसिल करो सो so दैट हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है तो हम क्या करते हैं जस्ट डू स्क्वायर बोथ द साइड दोनों साइड में स्क्वायर करोगे तो आपको ये मिला यहाँ पर ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट में और राइट right में स्क्वायर एक्सपेंड हो जाएगा ये देखो लेफ़्ट में हमने स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दिया और राइट right साइड में हमारे पास क्या है x माइनस सेवन द होल स्क्वायर इसके एक्सपेंशन के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फार्मूला है ए माइनस बी द होल स्क्वायर एक्सपेंशन क्या है उसका ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ए हमारा x है यहाँ पे, b हमारा सेवन है सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम इसे कैसे लिखेंगे वी राइट दिस एज एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टीन एक्स प्लस फोर्टी नाइन इक्वल के दोनों साइड में हमारे पास ये एक्सप्रेशन डिस्ट्रीब्यूटेड uh, है तो क्या करते हैं हम एक साइड में सारी चीजें ले लेते हैं दूसरी साइड में ओनली जीरो रखते हैं जस्ट लाइक दिस नाउ वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टीन एक्स प्लस फोर्टी नाइन माइनस एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो सी दिस माइनस फोर्टीन एक्स एंड माइनस एक्स विल बिकम्स माइनस फिफ्टीन एक्स एंड दिस फोर्टी नाइन प्लस सेवन विल बिकम्स फिफ्टी सिक्स सो वेयर इज द रिजल्ट Here it is our calculation. x square minus 15x plus 56 is equal to zero. This time we will solve this by splitting the middle term. Splitting the middle term में quadratic formula भी है हमारे पास, but this time हम split the middle term use करेंगे. कैसे करते हैं? ये जो 56 है, इसके हम factor कर दो. जितने भी factor हमको मिलेंगे, उसके हमको two parts करने हैं. किस तरह से करने हैं कि उन दोनों पार्ट्स का सम या दोनों में से किसी एक से दूसरे का सब्ट्रैक्शन ये बीच वाली टर्म आनी चाहिए 15. सो व्हाट आर द टू फैक्टर्स ऑफ दिस 56? सिक्स द फैक्टर्स आर एट एंड सेवन वाई बिकॉज बिकॉज एट मल्टीप्लाइड बाय सेवन विल बिकम्स 56 एंड एट प्लस सेवन विल बिकम्स 15. यहाँ पर स्प्लिट द मिडिल टर्म वाला बेसिक रूल अप्लाई करना है जिसके अकॉर्डिंग 56 के हमको फैक्टर मिल गए 7 एंड 8. तो 15 के बदले 7 एंड 8 अप्लाई करो यहाँ पे, तो हमें क्या मिलता है 7x और 8x. एक्स साइन हमारा इट इज रहेगा माइनस का क्योंकि माइनस सेवन एक्स माइनस एट एक्स दैट मीन्स माइनस फिफ्टीन एक्स हमारा एक्चुअल नंबर माइनस फिफ्टीन एक्स था सो वॉट वी हैव टू डू नाउ हमारा ये जो पोर्शन है इसको एक पेयर लो और इसके बाद जो रिमेनिंग है वो हमारा सेकेंड पेयर हो जाएगा तो फर्स्ट पेयर से हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं एक्स स्क्वायर है फर्स्ट टर्म में हमारे पास और इसकी सेकेंड टर्म में हमारे पास सेवन एक्स है तो एक्स यहाँ भी है और एक्स यहाँ भी है दोनों में से हम एक्स कॉमन ले सकते हैं तो हमने एक्स कॉमन ले लिया इन ब्रैकेट हमारे पास रहा एक्स माइनस सेवन दिस टाइम हम ये वाला पेयर लेते हैं इसमें देखो यहाँ पे क्या है एट एक्स और यहाँ पे है फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स मीन्स सेवन मल्टीप्लाइड बाई एट तो यहाँ भी एट है हमारे पास यहाँ से अगर हम सिर्फ एट कॉमन लेंगे तो हमारे पास माइनस एक्स प्लस सेवन रह जाएगा बट हमको सेकेंड टाइम फिर से इन दोनों में से कॉमन लेना है तो यहाँ पे ब्रैकेट में एक्स माइनस सेवन है तो यहाँ भी एक्स माइनस सेवन रहना चाहिए तो माइनस सेवन के लिए हम क्या करेंगे माइनस एट कॉमन ले लेते हैं तो सारे के सारे साइन अंदर चेंज हो जाएंगे जस्ट लाइक दिस तो हमने माइनस एट कॉमन लिया तो एक्स माइनस सेवन हमारे पास ब्रैकेट में रह जाता है रिमेनिंग अब हमारे पास क्या है लेफ्ट में ये एक पोर्शन है माइनस से लेफ्ट में और माइनस के राइट right में भी एक पोर्शन है दोनों में सेम चीज़ कॉमन है ये पूरा का पूरा ब्रैकेट एक्स माइनस सेवन यहाँ है एक्स माइनस सेवन यहाँ है तो आप x माइनस सेवन को ही कॉमन ले लो तो क्या बचता है आपका x माइनस एट सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ अवर क्वेश्चन ये जो हमारी इक्वेशन हमको मिली है इसके फैक्टर्स ये रहे अब ये टू फैक्टर्स हमको मिल गए हैं तो बड़े इजीली हम इसका आंसर निकाल सकते हैं एक बार x इज इक्वल टू सेवन आंसर आ जाएगा बिकॉज x माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो सेकेंड टाइम x माइनस एट इज इक्वल टू जीरो सो नाउ वी हैव

So friends, to showing your love, hit the like button, subscribe this channel and share this video with your friends. Of course, press the bell icon to never miss any of my new video. That's it for today. Thanks for watching.